तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं खानी के एपिसोड 7 के बेस्ट मोमेंट्स पे। ठीक है, 7 के बेस्ट मोमेंट हमने एक दो मोमेंट्स कवर कर लिए थे। ठीक है, इसमें पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि काफी टाइम पहले का ड्रामा है और उतने बढ़िया तरीके से अवेलेबल नहीं है इसकी क्लिप्स यूट्यूब पे। ठीक है, शायद उस टाइम पे उतना बढ़िया तरीके से अपलोड नहीं करे जाते थे बेस्ट मोमेंट्स, तो वो हो रहा है। क्या हो रहा है ना कि 40 मिनट का अगर बेस्ट मोमेंट बोल रहा हूँ, अगर 40 मिनट का एपिसोड है तो यार मैं कहता हूँ 20 मिनट 15 मिनट के बेस्ट मोमेंट्स तो अवेलेबल होने चाहिए यूट्यूब पे, जो कि इसके नहीं है। इससे क्या होता है कि काफ़ी अननेचुरल सा लगता है जब आप कवर करते हो सब कुछ स्टोरी लाइन के बारे में, आप अप्स एंड डाउन्स पूरे समझ नहीं पाते हो, फिर आप खामियां निकालते हो ड्रामा में। ठीक है, ये ड्रामा तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मैं हर एक ड्रामा के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा बीच में मिस करो स्टोरी तो क्या कमियां आप फिर आगे निकालते हो, उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सेम इस ड्रामा के साथ भी हो रहा है। ठीक है, इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग है, यूट्यूब पे नहीं है। और आप लोग एपिसोड 7 या 8 इसका कोई भी बेस्ट मोमेंट आपकी नज़र में है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर ड्रॉप करें। ठीक है, हम कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो समझ गए आप लोग, एपिसोड 7 के अगर हमें कुछ मिले तो हम उन पे रिएक्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, वरना हम 8 पे हमें मजबूरन जंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग सबको सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही प्यार और मोहब्बत आप लोग बनाए रखें और कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐसी चीजें सजेस्ट करते रहो ताकि आप सभी लोगों के लिए वीडियोस आती रहे रेगुलरली आप लोगों की हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से जो भी आप लोग देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, उन्हें देखकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। रेगुलरली सुबह सुबह नई वीडियोस आ जाती हैं, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाजमी है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें, प्यार और मोहब्बत आप लोग बनाए रखें, चाहे वो प्यार और मोहब्बत किसी भी तरीके से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो। ठीक है, तो इन सब बातों से बाहर निकल के थोड़ा हम इस चीज पर आते हैं, इसे देखते हैं और आखिर में इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखते हैं फिलहाल। लोग बेहोश हो रहे हैं, क्या बात है। हॉस्पिटल में यार, हॉस्पिटल में ऐसे मंजर हॉस्पिटल में ही आम होते हैं। किसके पास जा रहा है? वो भी फूल लेके, मतलब बात यहां तक पहुंच गई। ये पूरी फैमिली यहीं पर है। नाइस शॉट, अब ये उठ ना जाए, बहुत तमाशा हुआ अगर ये उठ गए। अच्छा ही हुआ कोई नहीं उठा। ये अचानक जाग गई है, जाग ही रही थी।
बहुत सारे सीन्स मिसिंग है ना, तो देखो अभी पता नहीं चल रहा इसको हुआ क्या, इसको लगी क्या सर। इसमें हाँ, इसमें शायद लेटर भी है। नहीं फैमिली नहीं है यार, ये तो कोई और है, मुझे लगा था मम्मी है उसकी। लेटर छुपा दिया, यार लेटर ही दिखा देते, लेटर में क्या लिखा था, फिर क्या फायदा आया। अरे वाह, सुनहरे ख्वाब। बहुत बढ़िया, ओके गाइस ठीक है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5 मिनट का है तो इसमें वो लेटर तो पढ़ के सुनाई देना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस की कि मीर हादी के चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे थे कि वो कितना ज़्यादा सीरियस है अब इसके लिए। मतलब अब वो ऊपर ऊपर से प्यार मोहब्बत नहीं रही, वो तंग करने वाला सीन नहीं रहा, वो पूरी तरीके से मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है ठीक है। और इसे देखकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ ठीक है, खानी को देखकर। इसने वो छुपा दिया, इसे समझ आ गया कि कौन आया था, ये सो रही थी, क्या हो रहा था, इसने वो छुपा दिया ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें दिखा दे, लेकिन अब मुझे लगता है मामला अब सीरियस हो चुका है। इसके आगे वाला सीन देख लेते हैं, अगर अब इसके साथ वाला अवेलेबल होता तो काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती, अब अगर नहीं हुआ तो फिर से वो एक गैप छूट जाएगा, तो अच्छे तरीके से ना वो मज़ा नहीं आ पा रहा ठीक है। इतने ज़्यादा जंप्स आ रहे हैं बीच में, तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी ना, जिस हिसाब से इंजॉय करने की एक्सपेक्टेशन थी इस बढ़िया स्टोरी को, वो एक्सपेक्टेशन पर ना खरा नहीं उतर पा रहा। अब आगे देखते हैं इसके बाद वाला सीन कितना बड़ा जंप होगा, देखते हैं। थोड़े मिनिस्टर साहब, एक काम आपसे बोला था आपने, वो भी नहीं करवाया। अब तक तो उसकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए थी। मुझे माफ कर देता हूँ, मुझे माफ कर देना। ये चीज मैं मिस कर रहा था। मुझे बहुत मार है। क्यों किया? मतलब वो बगावत वाला सिस्टम आ गया है। मैंने मना किया था ना, आदी आवाज ऊंची करके बात मत कहे। मैं भी कह सकता हूँ, आदत करो, अब यही रह गया है। एक दो टके की लड़की की खातिर तो वो दो टके की लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, क्या बात यहां तक पहुंच गई है। मैंने मना किया था ना, बाप रे, खुद पे लगा लेगा, खुद पे लगा लेगा।
ये उठ क्यों नहीं रहा, ये सोया है। नाइस शॉट। मार दूंगा। अजी आदि, मैं आपको मार दूंगा। नहीं आदि, आपने उसको मारा, आप अपने बेटे को भी मारेंगे। आदि मैडम, मेरी बात सुनो, प्लीज आदि ऐसे नहीं करना। नहीं नहीं, मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करो। मैं समझ गया, इसने खानी को मरवाया, वो जो हॉस्पिटल में थी इसकी वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, अब समझ आ गया ना। हाँ हादी, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसे भी देख के आया हूँ, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे चोटें भी नहीं आई है। तो मेरे साथ अंदर चलो। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। मजा आ गया, मजा आ गया, ये देख के तो मजा आ गया। ओके गाइस, तो ये देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें क्लियर हुई कि इसने, इसकी वजह से वो खानी को चोटें आई हैं और वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, यही हुआ होगा क्योंकि साथ साथ में ही है, इस एक ही एपिसोड में ये हुआ है ये सब कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो खुद को मारने लग गया था। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हुई कि कहीं बार क्या होता है कि कुछ माँ बाप ना अपने बच्चों को ज़्यादा छूट दे देते हैं, मतलब कुछ भी करो और उन्हें कुछ भी नहीं कहते। ठीक है, उनकी गलती कभी ठहराते नहीं और अपने ऊपर कभी ये बात नहीं लेकर आते कि हमारी गलती है, हमारी छूट का ये ज़्यादा जो ये असर है कि ये हाथ से निकल गया, ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करते कुछ लोग। और ये चीज़ कितनी ज़बरदस्त तरीके से दिखाई है कि एक वक्त पर आकर जो लोग ज़्यादा फ्रीडम देते हैं अपने बच्चों को, कैसे वो बच्चे ही गले का फंदा बन जाते हैं। किस तरीके से इसने ऊंची आवाज़ में अपने फादर साहब से बात की, ठीक है, अपने वालिद से बात की, कैसे गन उठाई अपने माँ के ऊपर, ऐसे तान दी उसने गन, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं और हुई होंगी, तभी जाकर राइटर ये चीज़ें लिखते हैं। काफ़ी वैलिड लगा मुझे और काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया इन सब को। ठीक है, इन चीजों से सीखना चाहिए सभी लोगों को, जैसे कहीं ना कहीं तो रियल लाइफ से ही उठाई गई होती हैं सारी सिचुएशंस। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता है। और स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पता नहीं कहां की तरफ जा रही है स्टोरी, आगे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। अगर इसके, मैं सोचता हूं कि अगर 3-3 मिनट के 5-6 बेस्ट मोमेंट्स होते हर एपिसोड के, तो स्टोरी को देखने का मज़ा ही कुछ और होता। ऐसे भी आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई इसमें। ओके गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें ज़रूर चैनल को। बाय।